पीएमएफडी स्टूडेंट। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? डीएमिनेशन के ऊपर। यानी क्या है कि जो अमोनिया जो ग्रुप होता है उसको क्या है, डीएमिनेट करना है अमाइन एसिड से, यानी उसको बाहर निकालना है ताकि वो यूरिया साइकिल के अंदर काम में आ सके। जो क्या बोलते हैं अपन, डीएमिनेशन बोलते हैं कि एक अमोनिया ग्रुप से यानी एक अमाइनो एसिड अमोनिया ग्रुप को बाहर निकालना। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अपन एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। इसको क्या है, पीछे का लेक्चर किसके ऊपर था, ट्रांसएमिनेशन के ऊपर, उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। पीछे का आज का लेक्चर किसके ऊपर, ट्रांसएमिनेशन पे, यानी क्या है अमोनिया ग्रुप ट्रांसएमिनेशन ए केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर एन अमाइनो ग्रुप टू ए कीटो एसिड टू फॉर्म न्यू अमाइनो एसिड। यानी क्या है, ट्रांसएमिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है दैट ट्रांसफर एन अमाइनो ग्रुप, यानी एक अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर है कहां पे, कीटो एसिड पे, और टू फॉर्म यानी कहां से, अमाइनो एसिड टू फॉर्म न्यू अमाइनो एसिड। तो ट्रांसएमिनेशन क्या है, जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है कहां से, अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होता है किसके ऊपर, कैटी एसिड, कीटो एसिड के ऊपर, और किस चीज के लिए, अमाइनो एसिड को फॉर्म करने के लिए यानी नए अमाइनो एसिड को बनाने के लिए। नीचे की रिएक्शन में देखिए, ट्रांसएमिनेशन में तो जिसमें देखिए कि नीचे क्या है, अमाइनो एसिड है जिसके अंदर क्या है, अमोनिया ग्रुप NH2 प्लस ऊपर की तरफ क्या है, कीटो एसिड जिसमें क्या है, ऑक्सीजन दिखाया गया है पिंक कलर में। फिर क्या है, ट्रांस अमाइनेज एंजाइम काम में आता है जिसके थ्रू क्या बन जाता है कि कीटो एसिड, कीटो एसिड से क्या बन जाता है कि अमाइनो एसिड बन जाता है नया, जबकि क्या है जो अमाइनो एसिड ओल्ड था उससे क्या बन जाता है, कीटो एसिड बन जाता है। और यही रिएक्शन अगर अपने को वापस करनी हो, यानी क्या है कि अगर नए अमाइनो एसिड से अगर अपने को वापस फॉर्म करना हो, यानी कीटो एसिड से अपने को क्या है वापस फॉर्म करना हो अमाइनो एसिड, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड, यानी ये जो प्रोसेस है ट्रांसएमिनेशन की वो किसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी किस चीज में इन्वॉल्व है, किस में इंटरफेयर कर रही है, वो अमाइनो एसिड को कीटो एसिड में कन्वर्ट कर रही है और कीटो एसिड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रही है। यानी ये दूसरे के, एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, इंटर कन्वर्जन है। नेक्स्ट, दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएमिनेशन ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड, और ये जो पाथवे है आपका वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि डीएमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी अमाइनो एसिड से अमोनिया हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, ये बात रिस्पॉन्सिबल है कि डीएमिनेशन के लिए, यानी क्या है NH3 यानी NH4 या NH3 अमोनिया ग्रुप को बाहर निकालने के लिए, दिस इज वन ऑफ द मेजर डिग्रेडेशन पाथवे विच कन्वर्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड टू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड।
यानी ये जो पाथवे दिस इज वन ऑफ द मेजर पाथवे, ये क्या है एक महत्वपूर्ण डिग्रेडेशन पाथवे है विच कन्वर्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड टू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो क्या है एसेंशियल, यानी क्या है जो अपन न्यूट्रिएंट डाइट के अंदर जो अमाइनो एसिड लेते हैं यानी जो प्रोटीन डाइट लेते हैं उसके अंदर जो पाथवे है यानी जो अमाइनो एसिड अपन क्या है एसेंशियली लेते हैं उनको किसमें कन्वर्ट करता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में एंड जो क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट करता है। अमाइनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज बी नोवो बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद फॉर्म किए जाए यानी बनाए जाए सिंथेसाइज। लेट्स देखिए ट्रांसएमिनेशन इन बायोकेमिस्ट्री इज अकॉम्प्लिश्ड बाय एंजाइम कॉल्ड ट्रांसएमिनेज, और ट्रांसएमिनेशन की जो प्रोसीजर है वो कौन से एंजाइम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, कौन से एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है, तो ट्रांसएमिनेज के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है यानी ट्रांसएमाइनेज एंजाइम के द्वारा की जाती है। इसको क्या बोलते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड है पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट के ऊपर और एन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये ट्रांसएमिनेशन के जो रिएक्शन है यानी चाहे अमाइनो एसिड से कीटो एसिड के ऊपर अमोनिया ग्रुप का ट्रांसफर होना तो वो किसके ऊपर डिपेंड है ट्रांसएमाइनेज पे, और क्या है कीटो ग्रुप से क्या है वापिस अमोनिया ग्रुप पे ट्रांसफर होना वो किसके ऊपर डिपेंड है अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। नेक्स्ट देखिए अल्फा कीटो ग्लूटामेट एक्ट एज द प्रोडोमिनेंट अमाइनो एसिड ग्रुप अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर एंड प्रोड्यूस ग्लूटामेट एज द न्यू अमाइनो एसिड, यानी अल्फा कीटो ग्लूटामेट किसके ऊपर एक्ट करता है प्रोडोमिनेंट अमाइनो एसिड एक्सेप्टर पे ग्रुप पे एक्ट करता है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है ग्लूटामेट प्रोड्यूस करता है या फिर नया अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है। नीचे की रिएक्शन में देखिए कि अमाइनो एसिड प्लस में अल्फा कीटो ग्लूटामेट ये दोनों क्या कन्वर्ट कर रहे हैं कि अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है ग्लूटामेट फॉर्म हो रहा है। नीचे देखिए कि ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप इन टर्न इज ट्रांसफर्ड टू ऑक्सैलो एसिटेट इन ए सेकेंड ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन यील्ड एस्पार्टेट, यानी ग्लूटामेट अमाइनो एसिड इन टर्न इज ट्रांसफर टू ऑक्सैलो एसिटेट इन ट्रांसएमिनेशन। ग्लूटामेट की जो सेकेंड रिएक्शन है उसके अंदर क्या ट्रांसफर होता है वो किसमें ट्रांसफर होता है अमाइनो जो ग्रुप है ऑक्सैलो एसिटेट में ट्रांसएमिनेशन में काम में क्या था जो क्या फॉर्म करता है आगे एस्पार्टेट फॉर्म करता है। तो देखिए ग्लूटामेट प्लस में ऑक्सैलो एसिटेट है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटामेट प्लस में एस्पार्टेट फॉर्म कर रहे हैं, यानी फर्स्ट रिएक्शन में तो आपने क्या फॉर्म किया था ग्लूटामेट फॉर्म किया था जो क्या है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और सेकंड रिएक्शन में आपने क्या किया ग्लूटामेट प्लस में ऑक्सैलो एसिटेट को क्या किया इसमें कन्वर्ट किया कीटो एसिड के साथ रिएक्शन करवाया ऑक्सैलो एसिटेट के साथ रिएक्शन करवाई जिससे क्या फॉर्म हुआ अल्फा कीटो ग्लूटामेट प्लस में एस्पार्टेट जनरेट हुआ। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो ट्रांसएमिनेशन की जो एक्शन है यानी जो प्रोसीजर वो किस तरीके से एक्ट करती है किस तरीके से काम करती है, तो ट्रांसएमिनेशन कैटलाइज बाय अमीनो ट्रांसफरेज अकर इन टू फेज, और जो ट्रांसएमिनेशन की रिएक्शन है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है या तो अमीनो ट्रांसफरेज के द्वारा या ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा, और जो दो फेज के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। इन द फर्स्ट फेज अल्फा कीटो एसिड प्रोड्यूस करता है During the second stage, the amino group is transferred to the keto acid acceptor. So, second step जिसके अंदर क्या होता है कि during the second stage, यानी दूसरे चरण में क्या होता है कि amino group किसके अंदर transfer हो जाता है keto acid acceptor के अंदर, यानी ऐसा keto acid जो किस पर accept कर रहा है amino group पर accept कर रहा है, और क्या form करता है forming amino acid product, वही regenerating the amino, वही
रीजनरेटिंग द एंजाइम, और वो किसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके अंदर फॉर्म हो रहा है, यानी नया अमाइनो एसिड फॉर्म कर रहा है और साथ में क्या है एंजाइम को रीजनरेट कर रहा है। मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर तो क्या होता है, जो अमोनिया एसिड है यानी जो अमोनिया ग्रुप है अमाइनो एसिड का, वो किसके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है एमाइनो एसिड के, यानी एमाइनो एसिड जो एंजाइम है यानी ट्रांसफरेज जो एंजाइम है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। और सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है कि वो जो अमोनिया ग्रुप है वो एंजाइम से किसके ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, केटो एसिड के ऊपर, और जो क्या फॉर्म कर लेता है नया अमाइनो एसिड फॉर्म कर लेता है। और अगर एंजाइम एग्जाम्पल देखें तो क्या फॉर्म करता है, ग्लूटामेट फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, यानी ट्रांसएमिनेशन जो रिएक्शन है उसको किस चीज के लिए अपन काम में लेते हैं। तो ट्रांसएमिनेशन इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इन द बॉडी, यानी ट्रांसएमिनेशन को अपन किस चीज के लिए काम में लेते हैं कि नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है यानी जिसको ह्यूमन बॉडी खुद फॉर्म करती है वो अमाइनो एसिड है उनको उनको बनाने के लिए अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को अपन किससे जनरेट करते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड से, यानी जो अपन डाइट के अंदर जो अमाइनो एसिड लेते हैं उससे क्या बनते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनते हैं, यानी एसेंशियल अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय कीटो एसिड, और क्या है कि अपन कीटो एसिड से क्या फॉर्म कर सकते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हैं यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय कीटो एसिड, और अपन क्या है कीटो एसिड से क्या फॉर्म कर सकते हैं कीटोन बॉडीज को फॉर्म कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं, तो ये क्या है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के यूजेस। आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है, डीएमिनेशन। देखिए डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ NH3 इज द प्रोसेस इज नोन एज डीएमिनेशन, यानी डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, यानी डीएमिनेशन का प्रोसीजर क्या है कि एक अमाइनो ग्रुप का बाहर निकलना, और कहां से एक अमाइनो एसिड से फ्रॉम ए मॉलिक्यूल यानी किस मॉलिक्यूल से अमाइनो एसिड से इन द फॉर्म ऑफ यानी किस फॉर्म के अंदर वो बाहर निकलता है अमोनिया फॉर्म के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएमिनेशन, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं डीएमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डीएमिनेशन, यानी जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है स्टिमुलेट करता है इस रिएक्शन को प्रेरित करता है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं अपन डीएमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी डीएमिनेशन टेक प्लेस प्राइमरली इन द लीवर, हाउ इवन इट कैन ऑल्सो अकर इन द किडनी, यानी ग्लूटामेट डीएमिनेशन, यानी इन द ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएमिनेशन है वो किसके अंदर प्लेस करती है, किसके अंदर सबसे पहले होती है लीवर के अंदर, और कुछ कंडीशन के अंदर यानी हाउ एवर यानी कुछ कंडीशन में इट कैन ऑल्सो अकर इन द किडनी, यानी कुछ कंडीशन में या उस टाइम यानी कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग किसके अंदर हो जाती है, और ये पॉसिबल किसके अंदर है किडनी के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं ग्लूटामेट का डीएमिनेशन जो है वो किसके अंदर होता है किडनी के अंदर। नीचे की रिएक्शन में देखिए कि अमाइनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डीएमिनेशन एंजाइम की प्रेजेंस में कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में क्या है NH3 है, और पीछे अपन ने लेक्चर में क्या देखा था ट्रांसएमिनेशन में जिसमें क्या है अमाइनो एसिड प्लस कीटो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं नया अमाइनो एसिड बनाते हैं, तो ये रिएक्शन क्या है उसकी थोड़ी सी उल्टी है, यानी अमाइनो एसिड से क्या फॉर्म हो रहा है कीटो एसिड फॉर्म हो रहा है, प्लस में क्या बनती है अमोनिया। तो शुरू से देखिए एक बार कि डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड, यानी डीएमिनेशन क्या है कि एक अमाइनो एसिड से एक अमोनिया ग्रुप का बाहर निकलना, और वो किस फॉर्म में बाहर निकलना है तो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलना है यानी NH3 के फॉर्म में बाहर निकलना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएमिनेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन डीएमिनेशन बोलते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड से अमोनिया ग्रुप का बाहर निकलने की जो प्रोसीजर है उसी को क्या बोलते हैं डीएमिनेशन बोलते हैं।
Next, enzymes that catalyze this reaction are called deamylase. और जो ये एंजाइम इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है या जो एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलते हैं, डीएमाइलेज बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी डीएमिनेशन टेक प्लेस प्राइमरी इन द लीवर। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएमिनेशन का प्रोसीजर है वो किसके अंदर सबसे पहले किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर। और कुछ कंडीशन के अंदर यानी कुछ कंडीशन के अंदर हाउ यूवर इट कैन ऑल्सो अकर इन द लीवर यानी इट कैन ऑल्सो अकर इन द किडनी। कुछ कंडीशन के अंदर ये किस में हो जाता है, किडनी के अंदर। यानी ग्लूटामेट डीएमिनेशन जो है वो किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर। अमोनिया जो है वो किसके द्वारा काम में ली जाती है, किसके द्वारा यूज की जाती है, यूरिया साइकिल के द्वारा यूज की जाती है। और जो क्या फॉर्म करी है, यूरिया को फॉर्म करी है। यूरिया साइकिल के अंदर अपन क्या बना लेते हैं, अमोनिया से अपन क्या जनरेट करते हैं, यूरिया को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीएमिनेशन में भी आइदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव यानी डीएमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड है, या तो ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन के साथ और दूसरा क्या है, नॉन ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन की अपसाइड के अंदर यानी जिसमें ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमोनिया ग्रुप का बाहर निकलना फ्रॉम यानी किससे, अमाइनो एसिड से, कपल्ड विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साथ अमोनिया ग्रुप का बाहर निकलना किससे, अमाइनो एसिड से। दिस प्रोसेस यानी यही जो प्रक्रिया है इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन यानी ये जो पूरा प्रोसीजर है उसी को क्या बोलते हैं, अपन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीवर एंड किडनी यानी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो किसमें प्लेस होता है, किसके अंदर स्थान ग्रहण करता है यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे पॉसिबल है, लीवर और किडनी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इन दिस रिएक्शन ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूज यानी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का जो प्रोसीजर है यानी उस रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है आपका, तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस एंजाइम इज यूनिक इन दैट कैन यूटिलाइज एनर्जी और एनएडीपी एज कोएंजाइम। दिस एंजाइम इज यूनिक यानी ये जो एंजाइम है वो स्पेशल है, यूनिक है यानी जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर काम में आता है। और जो क्या है, एनएडीपी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है यानी एनएडीपीएस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एनएडीपी के अंदर। और जो कोएंजाइम को यूज करके फिर क्या है, अपना रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज टू प्रोवाइड अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस एंड कीटो एसिड फॉर ए वैरायटी ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। देखिए, द पर्पज ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज टू प्रोवाइड अमोनिया यानी डीएमिनेशन का मोस्ट पर्पज क्या है कि अमोनिया ग्रुप को बाहर निकलना और यूरिया सिंथेसिस यानी यूरिया बनाने के लिए एंड कीटो एसिड फॉर ए वैरायटी ऑफ रिएक्शन और कीटो एसिड को क्या अलग अलग रिएक्शन के लिए बाहर निकालना यानी एनर्जी जनरेशन के लिए बाहर निकालना। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या है, अमाइनो एसिड से
अमोनिया ग्रुप को बाहर निकालना ऑक्सीजन के साथ कपल होके, और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से होती है? लीवर और किडनी के अंदर। ठीक है, ये कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोसेस होती है? तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। ये रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में लिया जाता है। और जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो एक यूनिक एंजाइम है जो क्या है, एनएडीपीएस को यूज करता है और को एंजाइम को यूज कर लेता है। और जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेशन यानी ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज के अंदर प्रेजेंस के अंदर की प्रेजेंस में जो डीएमिनेशन होता है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? एक तो यूरिया सिंथेसिस है, और दूसरा क्या है? यूरिया सिंथेसिस यानी अमोनिया ग्रुप का बाहर निकालना जिसमें यूरिया फॉर्मेशन होगा, और दूसरा क्या है? कीटो एसिड का बाहर निकलना जो किसमें काम आया, किसमें काम में आएगा? एनर्जी जनरेशन के अंदर काम में आएगा। नेक्स्ट देखिए, रूल ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज यानी तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज जिन्हें हम अपन काम में ले रहे हैं वो किस तरीके से काम करता है? देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन द अमाइनो ग्रुप ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड आर ट्रांसफर्ड टू एक अल्फा कीटोग्लूटामेट टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट। यानी ट्रांसएमिनेशन की जो रिएक्शन थी अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है वो किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है? अमाइनो एसिड के अंदर। तो क्या जनरेट करता है? कीटो एसिड जनरेट करता है यानी ग्लूटामेट या ग्लूटामेट जनरेट करता है। दिस ग्लूटामेट सर्व एज कलेक्शन सेंटर फॉर अमाइनो ग्रुप इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। और ये जो ग्लूटामेट है वो अमाइनो ग्रुप को क्या है, स्टोर करने का काम करता है यानी उसको कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करता है, उसको कलेक्ट करता है। ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैटलाइज बाय ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज टू लिबरेट अमोनिया। और ग्लूटामेट जो है वो रैपिडली किसके अंदर चला जाता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर चला जाता है। और जो क्या है, जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है वो रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है? तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है। और क्या लिबरेट होता है यानी क्या बाहर निकलता है उस रिएक्शन से? तो अमोनिया बाहर निकलता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटामेट अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट अल्फा अमाइनो ग्लूटामेट। और ये जो कन्वर्जन है यानी अल्फा कीटोग्लूटामेट का और अमाइनो एसिड का जो बाहर निकलना है उसके अंदर एक मीडिएट रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन? अल्फा इम्यूनोग्लूटामेट बोलते हैं। तो शुरू से देखिए एक बार, ग्लूटामेट ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज का रोल क्या है? ये क्या है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या है, अमाइनो एसिड किसके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है? अल्फा कीटोग्लूटामेट के ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। क्या फॉर्म करने के लिए? ग्लूटामेट फॉर्म करने के लिए। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ग्लूटामेट क्या करता है कि कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करता है यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है अमाइनो ग्रुप को स्टोर करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है? ग्लूटामेट काम करता है। और ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैटलाइज्ड बाय, और ग्लूटामेट क्या है, अचानक किसके अंदर चला जाता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर चला जाता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटामेट अकर थ्रू द मीडिएट रिएक्शन। और जो ग्लूटामेट का अल्फा कीटो यानी ग्लूटामेट का कन्वर्जन है उसके अंदर एक मीडिएट रिएक्शन आती है, क्या है? अल्फा अमाइनो ग्लूटामेट, जिसके थ्रू ही क्या बनता है कि क्या है, अमाइनो जो ग्रुप है अमोनिया जो है बाहर निकलती है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है कि ग्लूटामेट किसमें कन्वर्ट होता है? अल्फा कीटोग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, प्लस में साथ में क्या निकलता है उसके बाद? अमोनिया ग्रुप बाहर निकलता है। और ये जो रिएक्शन है वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं? ग्लूटामेट की हाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। ये होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसके अंदर एक एटीपी क्या है यूज होती है। इसमें देखिए कि ग्लूटामेट प्लस में
ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा पिप्टो ग्लूटामेट और प्लस में क्या बन रहा है, NH4 यानी अमोनिया ग्रुप बन रहा है। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रही है। देखिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बाय अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, यानी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो है ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो इसमें देखिए एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है एंड डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, वो क्या है, प्ले ऑफ प्रोटीन है। और जो क्या पोजीशन यानी रखते हैं, क्या रखते हैं, FMNO और FAD रखते हैं। ये एन टोन फोर इंपोर्टिंग अमाइनो एसिड पहली यानी एल और अमाइनो एसिड डी है, उसके ऊपर क्या है, फोर स्पॉटिंग के ऊपर अल्फा पीटो एसिड के ऊपर वो एक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर FMN फोर FAD और क्या जनरेट करते हैं, अमोनिया जनरेट करते हैं। नेक्स्ट द एक्टिविटी ऑफ एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज इज मच लो व्हाइल दैट ऑफ डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज इज हाई इन द टिश्यू, यानी जो एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की जो कैपेसिटी है एक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, लो है, यानी धीरे धीरे वो एक्ट करता है। और डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की जो कैपेसिटी है वो क्या टिश्यू के अंदर हाईली रिएक्ट करता है, जल्दी से रिएक्ट करता है। और एल और अमाइनो डी और एल और अमाइन एल और डी जो अमाइनो एसिड है उनको भी अपन क्या है कि उनका भी डीएमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए एल जो अमाइनो एसिड है वो किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, FMN के द्वारा। और डी जो अमाइनो एसिड है वो किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, FAD के द्वारा। तो एल अमाइनो एसिड को अपन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्फा पीटो ग्लूटामेट प्लस में अमोनिया बाहर निकाल रहे हैं, जिसके लिए अमाइनो जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम ले रहा है, एल अमाइनो ऑक्सीडेज। दूसरा क्या, इसके अंदर क्या है, FMN किसमें कन्वर्ट हो रहा है, FMN NH2 में। और FMN NH2 वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, FMN के अंदर। दूसरा डी अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है कि डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम काम भी आता है और जिसके अंदर क्या है, अल्फा पीटो ग्लूटामेट प्लस में अमोनिया फॉर्म होती है, जिसके अंदर क्या है, FAD किसमें कन्वर्ट होता है, FADS2 में। बट FADS2 वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, FAD के अंदर। नेक्स्ट देखिए नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स कैन बी डीएमिनेटेड टू लिबरेट अमोनिया विद अंडरगोस ऑक्सीडेशन, यानी जो कुछ अमाइनो एसिड है वो क्या है, बिना ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगी क्या फॉर्म करे, अमोनिया फॉर्म करे या अमोनिया को बाहर निकाल रहे हैं। इन सम ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी डीएमिनेटेड टू लिबरेट अमोनिया विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, यानी कुछ अमाइनो एसिड अमोनिया ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं बिना ऑक्सीडेशन के अंदर जाए। इसके लिए सबसे पहले क्या है, अमाइनो एसिड डिहाइड्रेशन। इसमें देखिए कि सेरीन प्लस में थ्रियोनिन एंड हीमोसेरीन आर हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, यानी सेरीन थ्रियोनिन और हीमोसेरीन है वो क्या है, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड है। दे अंडरगोस नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, वो किसके अंदर चले जाते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर चले जाते हैं। और कैटेलेज किसके द्वारा की जाती है, PNP यानी पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम के द्वारा कैटेलेज किए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड। नीचे की रिएक्शन में देखिए कि सेरीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमाइनो एक्रिलेट में। और अमाइनो एक्रिलेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ पाइरुविक एसिड में, यानी सेरीन और थ्रियोनिन और हीमोसेरीन यानी डिहाइड्रेटेड एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और अमोनिया को क्या है, बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट देखिए अमाइनो एसिड डी सल्फेट हाइड्रेशन, तो डी सल्फेट हाइड्रेशन में देखिए कि द सल्फर अमाइनो एसिड आर नेमली सिस्टीन एंड हीमोसिस्टीन। तो सल्फर से रिलेटेड अमाइनो एसिड है वो क्या है, दो प्रकार के अमाइनो एसिड, एक तो सिस्टीन है एक होमोसिस्टीन है, अंडरगोस डीएमिनेशन, जो किसमें चले जाते हैं, डीएमिनेशन में चले जाते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में चले जाते हैं। और कंबाइंड विद डी सल्फेट्रेशन, जो किसके साथ कपल्ड हो जाते हैं, डी सल्फेट्रेशन के साथ कपल्ड हो जाते हैं और जो क्या फॉर्म करते हैं, कीटो एसिड को फॉर्म करते हैं। नीचे की रिएक्शन में देखिए सिस्टीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे बाहर क्या निकल रहा है, NH3 प्लस H2S, यानी अमोनिया ग्रुप बाहर निकल रहा है। एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, डी सल्फोहाइड्रेटेड।
फिर क्या है थर्ड कौन सा है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में, तो डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन यानी हिस्टिडीन का डीएमिनेशन। द एमाइन द एंजाइम हिस्टिडीन एक्ट ऑन हिस्टिडीन टू लिबरेट NH3 बाय ए नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस। यानी हिस्टिडीन के अंदर क्या होता है कि हिस्टिडेट एंजाइम काम में आता है, तो किसमें कन्वर्ट करता है हिस्टिडीन को, यूरो कैनेट में कन्वर्ट कर रहा है, और NH3 जो है अमोनिया ग्रुप है वो बाहर निकल रहा है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, हिस्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका होगा वो किसके ऊपर होगा, यूरिया साइकिल के ऊपर। यानी किस तरीके से अपन क्या है कि अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करेंगे, यूरिया के अंदर, वही उसी को क्या बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्योंकि आपको पता है अमोनिया क्या है, टॉक्सिक कंपाउंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको किसमें क्या है यूरिया के अंदर कन्वर्ट करके क्या उसको बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट वन,